तो यार हल्क मर चुका है, क्यों, कहां, कैसे, कुछ भी नहीं पता। तो मैं फ्रैंकलिन द पुलिस वाला डिटेक्टिव पता करने वाला हूँ आज कि हल्क को किसने मारा। तो ये वो सारे के सारे जने जो कि यार हल्क की बीवी और उसके घर वालों ने मुझे यार नाम दिए कि ये कल यार हल्क के साथ थे, कोई ना कोई किसी किसी टाइम पे हल्क के साथ था। तो इन चारों पांचों में से किसी ने हल्क को मारा है। अपना पहला स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सैंडमैन, स्लेंडरमैन और शाहरुख खान, इनमें से किसी ने तो हल्क को मारा है और आज मैं वो पता करके रहूंगा। पहले से ही बता दो किसने इस बेचारे से मासूम से हल्क को मारा है, वरना उसको बहुत ही बड़ी सजा मिलने वाली है। अरे हमें नहीं पता। अरे मुझे भी नहीं पता। अरे मुझे भी नहीं पता। ये ऐसे तो बताने वाले थे, मुझे पता ही था, इसलिए मैं लेके आया हूँ पुलिस वालों की टाइम मशीन। अभी मैं जाने वाला हूँ पीछे समय में, और जब जब ये हल्क से मिले थे तो इन्होंने क्या क्या किया था, किसने हल्क को मारा है, इससे मुझे पता चलेगा। तो फटाफट से चलते हैं। और गाइस यार अभी यार ये टाइम ट्रेवल मैंने कर लिया और कहीं पे तो मैं आ चुका हूँ, सामने मुझे हल्क, स्पाइडरमैन और सैंडमैन दिख रहे हैं। तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ हम तुझे मार देंगे। ओए मैं डरता हूँ क्या तुमसे? इस पूरी पृथ्वी पर मेरा राज होगा, इस पूरी पृथ्वी को रेगिस्तान बना दूंगा। अबे एक बोतल पानी तेरे ऊपर फेंकी ना, अभी पूरा का पूरा पिघल जाएगा। बच्चे सादा मत बोल, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे मैं डरता हूँ क्या तेरे से? अच्छा तो फिर ये ले। अरे बचाओ रे। तो गाइस स्पाइडरमैन तो यहाँ से भाग चुका है, मतलब यार स्पाइडरमैन ने हल्क को नहीं मारा। तो अभी हमें यार स्पाइडरमैन को तो पता चल चुका है, अभी भी यार चार चार जने और बचे, उनमें से किसी ने हल्क को मारा हो सकता है। तो फटाफट से चलते हैं अपन वापस से। तो गाइस यार अभी हम यार वापस आ चुके हैं हमारी पुलिस टाइम मशीन से, और यार तुम पांचों में से एक जना इनोसेंट है जो कि है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तू अपने घर जा सकता है, तूने किसी को कुछ नहीं किया। अरे थैंक यू, मैं और हल्क तो इतने अच्छे दोस्त हैं, हम क्यों किसी को मारेंगे। तो गाइस यार अब यार स्पाइडरमैन तो हो चुका है फ्री, और यहाँ पे हमें कुछ मिले वेपन जहाँ जहाँ पे हल्क यार गया था। यहाँ पे हमारे पास एक हैंडगन है और यहाँ पे एक टैंक और एक बोट है। तो देखते हैं इनमें से किसने हल्क को मारा है, तुम चारों में से। अभी हम जाने वाले हैं सैंडमैन के पास में, क्योंकि वहां पे सैंडमैन भी था। तो देखते हैं उसने क्या हल्क को मारा है। तो अभी हम वापस आ चुके उसी टाइम पे जहाँ पे स्पाइडरमैन भागा था, और मेरे को लगता है इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। सैंडमैन चले जा यहाँ से, वरना मैं तेरी चटनी बना के खा जाऊंगा। ओए तो क्या मैं डरता हूँ, आजा फिर देखते हैं। अच्छा इधर आ फिर। ओए 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 ये जमीन से क्यों उठा लिया मुझे? अरे मेरी मिट्टी पिघल जाएगी, मुझे छोड़ दे। अरे मैंने बोला था चले जा यहाँ से, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सॉरी हल्क भैया छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, अब मैं तुझे पिघला के छोड़ूंगा। ओए ऐसा मत करो हल्क भैया, मेरे बीवी बच्चे पागल हो जाएंगे। अरे पहले सोचना चाहिए था, ये ले जा पानी के अंदर। ओ बचाओ मुझे। मैंने तो पहले ही बोला था मेरे से पंगा मत ले। तो गाइस यार अभी तो यार हल्क यार सेफली जा चुका है, और सैंडमैन खुद ही पानी में चला जा चुका है, मतलब यार सैंडमैन ने भी हल्क को नहीं मारा। तो अभी हम आ चुके पहले वाले टाइम में वापस, और तुम चारों में से सैंडमैन ने भी नहीं मारा है। तो अब सिर्फ बचे हो आयरन मैन, स्लेंडरमैन और शाहरुख खान। तुम तीनों में से किसी ने मारा है प्यारे से मासूम से हल्क को, और इन तीनों में से किसी वेपन से भी मारा हो सकता है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, देखते हैं किसने मारा है हल्क को। और ये मैं अभी कहीं तो आ चुका हूँ, ये कौन सी जगह, एक सेकंड, सामने हल्क और उसकी पत्नी भी है। अरे मुझे पकड़ के तो दिखाओ। अरे मैं तुमको पकड़ लूंगा। अरे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, कितने दिनों बाद हम पिकनिक मनाने आए हैं। सेनोरिटा प्लीज चालू हो जाना, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। ए, अब ये चालू हो जाएगी, इसको मैं पानी में लेके जाऊंगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, ना मुमकिन है मेरे दोस्त। चलो चलते हैं, डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, अब ये ग्रीन गेंडा गया था। चलो यार चलते हैं, पानी में आ गया, अब मैं मस्त अपनी सेनोरिटा में घूमूंगा। हल्क बाबू कहाँ चले गए तुम? हल्क बाबू क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? हल्क बाबू उठो बाबू। अरे हल्क बाबू क्या हो गया? अरे वो कौन था, मेरे हल्क बाबू को मार दिया। हल्क बाबू उठो बाबू। तो गाइस यार हमें पता चल चुका है हल्क को किसने मारा था, वो था शाहरुख खान। हल्क बाबू। अरे बेबी मैं मारा तो ना हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। ए, मजा आ गया। अबे ये क्या हुआ, अबे हल्क तो वापस उठ गया, अबे ये तो मरा ही नहीं था, अबे ये क्या पागलपंती चल रही है यार। तो शाहरुख खान ने भी हल्क को नहीं मारा, वो सब प्रैंक कर रहा था हल्क तो, अबे क्या पागल आदमी है। तो गाइस यार अब यार सिर्फ यार स्लेंडरमैन और आयरन मैन बचे, क्योंकि शाहरुख खान भी यार सेफ हो चुका है, उसने यार हल्क को सिर्फ यार भेड़ा था पर वो मरा नहीं था। तो तुम दोनों में से किसने मारा है हल्क को फटाफट से बता दो, वरना तुमको बहुत ही बड़ी सजा होने वाली है, मतलब जेल में डाल देंगे 50-60 साल के लिए। अरे फ्रैंकलिन हल्क तो मेरा दोस्त था, मैं उसको क्यों मारूंगा तुम बताओ। हल्क को तो मैं जानता भी नहीं था, मैं उसको क्यों मारूंगा।
ये बताने वाले तो है नहीं, तो फटाफट चलते पुराने वाले टाइम में और देखते हैं आयरन मैन क्या कर रहा था उस टाइम जब यार हल्क मरा था। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं पास वाले टाइम में, और ये क्या, ये आयरन मैन तो यहाँ पे पिस्टल की गोलियां चला रहा है, जो की पिस्टल हमें मिली थी यार वहाँ पे। मुझे लगता है ये पिस्टल से इसको मारने वाला है। अरे आयरन मैन, तुमने इतनी सारी गोलियां चला रही, देखो सामने से इतने सारे जानवर आ रहे। अरे ये क्या, ये तो सुअर है। अरे मुझे सुअर से बहुत गंदा लगता है। अरे बहुत बदबू आती है। अरे ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। मैंने नहीं, हल्क ने चलाई थी बंदूक। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं चलाई थी, आयरन मैन ने चलाई थी। अरे मुझे बचाओ, बदबू आ रही है। अरे आयरन मैन मुझे बचाओ। हल्क तुम मजे करो, सुअरों के साथ में जा रहो। आयरन मैन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस अब यार आयरन मैन ने भी हल्क को नहीं मारा, ये भी हमें पता चल चुका है। इसके तो बहुत सारे सुअर इसके ऊपर छोड़ देते। रुको अभी इन सुअरों को मैं मारता हूँ। अरे हल्क को भी फेर दिया। तो गाइस अब लगता है स्लेंडर मैन ने हल्क को मारा होगा। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। स्लेंडर मैन चुपचाप बता दे, क्योंकि आयरन मैन भी अब इनोसेंट हो चुका है। अगर तूने हल्क को मारा होगा तो मैं तुझे यार पूरे के पूरे 100 साल के लिए जेल में डालूंगा। मैंने हल्क को नहीं मारा है, तुम जाके देख सकते हो। चल तू बोलता है तो मैं जाता हूँ स्लेंडर मैन। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं, सिर्फ स्लेंडर मैन बचा, फटाफट से पुराने वाले टाइम में चलते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है। यार यहाँ पे तो सूरज सुनसान लगा पड़ा है। और एक सीन, वो स्लेंडर मैन क्या कर रहा है? आज तो ये मिलिट्री वालों का मैं टैंक चुरा ही लूंगा। अरे आग लगा रखी है इन्होंने सिक्योरिटी के लिए, पर इनको क्या पता है स्लेंडर मैन को आग से कुछ होता ही नहीं है। चलो फटाफट से टैंक में चलते हैं, ये मैंने चुरा लिया, इससे पूरे के पूरे लॉस एंड टास्क उड़ा दूंगा। तो गाइस अभी स्लेंडर मैन ने वो टैंक चुरा लिया है। अरे स्लेंडर मैन, चोरी करना पाप है, तेरे नीचे सांप है, नहीं तो ही सांप है। तुझे घर वालों ने बताया नहीं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, निकल यहाँ से। हल्क मेरे सामने मत आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं क्या डरता हूँ तेरे से। तो आ जाओ फिर, दो दो हाथ हो जाए। आ जा, दो दो हाथ क्या, तेरे पास तो 10-10 हाथ है ना, उससे भी तुझे मोरे, तू मुझे नहीं हरा सकता। ये ले स्लेंडर मैन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो सानी सानी, अगली बार से चोरी नहीं करूंगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्यों उठना, क्या हुआ? अरे मार दिया तुमने तो मुझे। अबे मैं तो देखने आया था हल्क कैसे मारा था, यहाँ पे तो दिख गया हमें स्लेंडर मैन कैसे मारा था। हल्क ने स्लेंडर मैन को मारा था, तो हल्क को मारा किसने? अबे यार सबका तो चेक कर लिया, किसी ने नहीं मारा। अभी सारे के सारे सस्पेक्ट जो भी थे हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि यार उनमें से तो कोई भी नहीं निकला। अब मैं डायरेक्ट जाने वाला हल्क के पुराने वाले टाइम में, जिस टाइम हल्क मरा था। तो फटाफट से देखते हल्क मरा कैसे था आखिरकार। तो अभी हम हल्क के घर आ चुके जहाँ पे हल्क और उसकी पत्नी रहते, देखते यहाँ पे क्या होने वाला है। बाबू देखो ये कितना ज्यादा प्यारा कुत्ता है, मैं आज ही लाई हूँ। अरे तुम्हें तो पता ही है मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, मेरे से दूर रखो इसको। ये कुछ नहीं करता, ये बहुत ही प्यारा है, उसको हाथ लगा के देखो। अरे नहीं नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना इसको। देखो तो सर ये कितना डरावना है। अरे मेरे पास करे, अरे इसने मेरे को काट लिया, बचाओ बचाओ। एक कुत्ते छोड़ दे उसको, एक कुत्ता काट गया उसको। अरे बाबू उठो, अरे ये बाबू तो मर गए, भागो यहाँ से। अरे गाइस ये क्या, इस कुत्ते ने हल्क को मारा था। अबे मैंने सोचा था क्या क्या किसने मारा होगा, इस कुत्ते ने हल्क को मारा था। अरे हल्क तो कुत्ते की मौत मर गया। अरे गाइस आखिरकार मुझे पता चल चुका है यार हल्क को किसने मारा था, वो तो उसकी बीवी के सामने मारा था। और ये बीवी क्या क्या हमें बोल रही थी कि हल्क को ढूंढो किसने मारा था, ये तो पागल निकली। अब इसकी बीवी को जाके अरेस्ट करता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो बताई, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता ना कैसी लगी वीडियो फटाफट कमेंट में बता दो। हमें पता चल चुका है हल्क बेचारे को किसने मारा था, एक कुत्ते ने हल्क को मार दिया, तो हमें पता चल चुका है। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जाना फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।